ईशा डे वन से लोगों को इस्तेमाल करती आई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी एज का बेनिफिट लेते हुए, अपनी क्यूटनेस, अपनी प्यारी सी चीज का बेनिफिट लेते। दोस्तों हाल ही में मनु पंजाबी ने ईशा मालवीय के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। मनु पंजाबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह ईशा को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि ईशा कैसे लोगों के साथ अपने मतलब के लिए दोस्ती करती है और वह शुरू से ही सबका यूज करती आ रही हैं। जब उनको जरूरत होती है तब वह सबकी दोस्त बन जाती है और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह उनसे लड़ने लगती है। आगे मनु पंजाबी ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन दिस कि अगर किसी को मास्टर वुमन का कार्ड देना है आपको या टाइटल देना है आपको तो आप वो ईशा को दीजिए। ईशा डे वन से लोगों को इस्तेमाल करती आई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी एज का बेनिफिट लेते हुए, अपनी क्यूटनेस, अपनी प्यारी सी चीज का बेनिफिट लेते हुए, अपने बिहेवियर का, वेल मैनर्ड होने का बेनिफिट लेते हुए, सीखने का, जानने का बेनिफिट लेते हुए किसी भी तरीके से आप लीजिए। ईशा ने एक एक करके हर इंसान को, चाहे फिर आयशा हो, अंकिता हो, मुनव्वर हो, सबके साथ में बहुत प्यारी दोस्ती रखी, सबके साथ जब तक जिसकी जरूरत। इनफैक्ट अभिषेक के साथ भी 14 दिन तक बहुत अच्छे से उन्होंने दोस्ती रखी, उन्होंने सबको बराबर तरीके से इस्तेमाल किया और फाइनली उन सब के अंदर से उसने गलतियां निकाली। अभी वो मनारा की दोस्ती पर अब मनारा को डीकोड करने में लगी हुई है कि तू अपना पत्ता सेक रही है, क्योंकि वो बोलने आई है, वो बोलेंगी, उनको जो सही दिखेगा वो बोलेंगी। ईशा जैसे लोग मैटर्स को सामने लेकर के आते हैं तो बिग बॉस को एक्चुअली ये चीज बहुत पसंद आती है। तो ईशा ने किया तो वही काम जो मनारा के लिए एक्चुअली जानना जरूरी था, क्योंकि वीकेंड का वॉर अगर मनारा के ऊपर कंडक्ट करना है खिलाफत में उसकी, तो इन बातों को हाईलाइट किया जा रहा है। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।